दोस्तों नमस्कार, सभी को स्वागत करते हैं और एक नया वीडियो में। जी आज आपको जो बोलने वाला हूँ, जो आप जो जो टाइटल लगा था ना, टाइटल सर्च करने के बाद आपको रैंकिंग में नहीं आता है, तो मैं आज ही उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। जो बेस्ट टाइटल कैसे आप चूज कर सकते हैं, मैं सारे चीज लाइव प्रूफ के साथ आपको देखने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो मेरा एक न्यू यूट्यूबर हूँ, मेरा व्यूज ज्यादा नहीं आता है, वो मेरा वॉच टाइम भी ज्यादा नहीं है, मेरा ऑडियंस रिटर्न भी ज्यादा नहीं है, वो फिर अभी मेरा वीडियो क्यों रैंक में आ जाता है। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर वीडियो को देख लेना, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आपको सभी के साथ ये उम्मीद करता हूँ, अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो पहले पाने के लिए। चलिए जान लेते हैं जो आज जो बेस्ट टिप्स होने वाला क्या है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है जो प्रॉपर एसईओ करना, जो प्रॉपर एसईओ आप कैसे कर सकते हैं। अगर मैं एसईओ के बारे में बताऊं तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं पार्ट पार्ट करके ये वीडियो को बना रहा हूं। तो आज मैं पार्ट वन में बात कर रहा हूं जो टाइटल कैसे चूज कर सकते हैं, जो बेस्ट टाइटल कैसे आप चूज करेंगे लाइव प्रूफ के साथ, हर कुछ आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको एक भी चीज समझ में नहीं आएगा, तो बाद में गाली नहीं देना जो सुब्रत भाई ये टिप्स काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करने के बाद ही आपको पास ये वीडियो पेश कर रहा हूं, तो जरूर वीडियो को देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जो कैसे अपना बेस्ट टाइटल को चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और वीडियो स्टार्ट करने पहले और भी आपको दो तीन चीज़ बाद में याद करना चाहता हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो जरूर ये सारे ऐप्स आपके पास होना चाहिए। पहला है ट्यूब बॉडी एप्लीकेशन, वॉइस स्टूडियो, और आपको एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा जो वीड आई क्यू एक्सटेंशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है यूट्यूब में, वो देख लेना, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं जो कैसे हम लोग बेस्ट टाइटल को चूज कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको मैं ओएसटी स्टूडियो में लेके जाऊँगा, वो देख सकते हैं। मैं ओएसटी स्टूडियो में आ गया हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जो व्हाट्सएप न्यू अपडेट ग्रुप वीडियो कॉल का लेके, ठीक है, वो वीडियो आप लोग को देख पा रहे हैं, जिसकी इंटरफेस किस प्रकार से देख सकते हैं। इसका व्यूज भी 3 है, वो एवरेज व्यू रेटेशन टाइम वो इतना ज़्यादा नहीं है, वॉच टाइम 13 हुआ है, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा नहीं है। तो देख सकते हैं मैं इसमें क्या क्या टाइटल डाला हूँ, ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं इसके मैं टाइटल डाला हूँ जो व्हाट्सअप न्यू अपडेट ग्रुप वीडियो कॉल, उसके बाद एक कोमा दे दिया हूँ, और व्हाट्सअप लॉन्च न्यू फीचर, उसके बाद एक अंडरलाइन दे दिया हूँ जो व्हाट्सअप ग्रुप कॉल लिमिट 2020, ठीक है। ये 3-4 में टाइटल डाला हूँ जो हर एक टैग को अलग अलग कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको रिसर्च करता हूँ जो ये टैग मेरा प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कैसे हम लोग बेस्ट टाइटल को सिलेक्ट करूँ, तो सारी चीज़ आपको मैं लाइव पूरा अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, तो पहले सभी के पास तो यूट्यूब एप्लीकेशन होगा, ठीक है, मैं पहले यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। वो देख सकते हैं मैं YouTube एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ, और ओपन करने के बाद मैं सर्च कर लूँगा जो WhatsApp न्यू, तो मैं सर्च कर रहा हूँ जो WhatsApp न्यू अपडेट ग्रुप वीडियो कॉल, ठीक है, तो मैं इसको सर्च कर लिया हूँ, और देखते हैं जो मेरा वीडियो रैंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं सर्च कर देखा दूंगा जो मेरा वीडियो 23 में रैंक कर रहा है, वो देख सकता है मेरा वीडियो इस जगह में रैंक कर रहा है जो 23 में रैंक कर रहा है, ठीक है। ये तो मैं पहला टैग में डाल के दे दिया हूँ, ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ लाइव प्रूफ के पास दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए ये पहला टैग हो गया, और दूसरा टैग मेरा ये था जो व्हाट्सअप लॉन्च न्यू फीचर, ठीक है, व्हाट्सअप लॉन्च न्यू फीचर्स, तो इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ये सर्च करने के बाद मेरा वीडियो इस जगह में रैंक नहीं करेगा, वो मेरा वीडियो रैंक कर रहा है शायद 106, मतलब 106 में रैंक कर रहा है, ऐसे इसमें स्क्रॉल करेंगे और तो मेरा वीडियो आएगा 106 में, देख सकते हैं इस जगह में आ रहा है, तो लगभग 106 में मेरा वीडियो रैंक कर रहा है। मैं को रीजन बताने वाला हूँ जो कैसे ऐसे हो गया, ठीक है, सारी चीज़ का आपको भी देखने वाला हूँ जो बेस्ट टाइटल कैसे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी और एक टैग था मैं लगाया था जो व्हाट्सअप ग्रुप कॉल लिमिट, ठीक है, उसको भी सर्च कर लेता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप कॉल लिमिट ये जो आ गया, देखिए इसको मैं सर्च कर ले हूँ, और सर्च करने के बाद देखेंगे जो ये भी मेरा वीडियो रैंक कर रहा है 23 में, ठीक है, तो देखिए मैं आपको देखा देता हूँ, देख सकते हैं ये भी आ गया तो 23 में रैंक कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये टाइटल डाला हूँ या हर अलग अलग जगह में रैंक कर रहा है, तो कैसे रैंक कर रहा है, वो काफ़ी पीछे का भी
आगे रैंक कर रहा है। मैं और भी कुछ वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, वो वीडियो में देखा था जो टॉप में मेरा कैसे रैंक कर रहा है, वो भी आपको देख लेना। मैं ये वीडियो आपको इजीली दिखा रहा हूँ जो क्या मैं हम लोग क्या गलती करता हूँ जिसके वजह से हम लोग का इतना ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया। मैं अभी एक काम कर लूँगा जो आपको मैं दिखा दूँगा, जो ट्यूब बॉडी एप्लीकेशन का मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो ट्यूब बॉडी को मैं ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए मैं आ गया हूँ ट्यूब बॉडी एप्लीकेशन में। ट्यूब बॉडी को एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। इस थ्री लाइन जो है ना, थ्री लाइन में आपको क्लिक करना है। और थ्री लाइन में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा जो टैग एक्सप्लोरर, इसमें क्लिक कर देना है। ठीक है, वो टैग एक्सप्लोरर क्लिक करने के बाद अपना जो टाइटल डालना है वो टाइटल को आपको इस डाल देना है। देखिए मैं पहले आपको डाल देता हूँ जो व्हाट्सअप लॉन्च न्यू फीचर्स, इसको मैं सर्च कर देता हूँ। वो व्हाट्सअप लॉन्च न्यू फीचर को मैं सर्च कर दिया हूँ। ठीक है, वो देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम लो है, कंपटीशन भी एवरेज है, वो फेयर ओवरऑल 36। ठीक है, तो इसमें सॉरी आपको दिखाता हूँ व्हाट्सअप था। देखिए मेरा टाइटल यही था, व्हाट्सअप लॉन्च न्यू फीचर, तो सर्च वॉल्यूम लो है, कंपटीशन वेरी हाई है, और ओवरऑल जो रिजल्ट देता है ये बहुत ही बैड है। ठीक है, तो आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ जो अपना ऐसे टाइटल चूज़ कीजिए वो जिसके ये सारे चीज़ ये लो होगा, ये कंपटीशन में थोड़ा सा मीडियम होगा, और ये ओवरऑल अगर गुड होता है वही टाइटल को आपको चूज करना है। ठीक है, ये मेरा तो एक टाइटल चला गया जिसके वजह से वो रैंक 106 में रैंक कर रहा है, लेकिन कुछ वर्ड जो तीन टैग था, दो टैग उसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, जो व्हाट्सअप न्यू, व्हाट्सएप और न्यू अपडेट ग्रुप वीडियो कॉल, इसको मैं सर्च कर देता हूँ। देख सकता है इसको जैसे मैं सर्च कर दे, जो सर्च वॉल्यूम लो है, कंपटीशन में लो है, और ओवरऑल देखिए गुड है। तो ऐसे टाइटल को आपको चूज करना पड़ेगा जो सारे चीज़ आपको क्या इस प्रकार से होगा। जो टाइटल आप देने वाला है उस टाइटल को जरूर, मैं आपको आगे भी बहुत से बताने वाला हूँ कैसे आपको टाइटल को चूज करना है, लेकिन जो भी टाइटल आप चूज़ करेंगे तो पहले आके इस जगह में चेक कर लेना है जो इसका रिजल्ट किस प्रकार से आएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से आ रहा है लो लो गुड, तो उस टाइटल को जरूर आपको इस्तेमाल करना है। चलिए आपको तो लाइव प्रूफ दिखा दिया हूँ। ठीक है, और एक टैग है वो भी सेम इसी प्रकार आएगा, लेकिन उसको मैं नहीं दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं देख लेता हूँ जिस किस प्रकार से हम लोग टाइटल को चूज कर सकते हैं। तो आपको एक ब्राउजर यूज़ करना पड़ेगा, जो एक्सटेंशन ब्राउजर, उसको आप ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर देख सकते हो वन डेस्क ब्राउजर, इसमें आपको हर चीज़ देख सकते हैं। मेरा ट्यूब बॉडी है और वी डाई क्यू है, सारी चीज़ एक्सटेंशन इस जगह में इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इस जगह से यूट्यूब को ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इस जगह से ओपन कर लिया हूँ, और मैं आपको एक वीडियो का चीज़ में, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसी वीडियो का मैं टाइटल आपको चूज करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरा एक टाइटल को मैं सर्च करता हूँ। ठीक है, जो हाउ टू राइट बेस्ट टाइटल, हाउ टू राइट बेस्ट टाइटल फॉर यूट्यूब वीडियो। ठीक है, इसको मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, जैसे इसको मैं सर्च करता हूँ देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो आ गया, और साथ ही साथ इस साइड में एक वीडियो का एक ऑप्शन आ गया। देख सकते हैं जो ओवरऑल स्कोर 44 है, और इसका नीचे ना कुछ भी रैंक दिया देता है। ठीक है, वो देख सकता है जो हाउ टू राइट टाइटल यूट्यूब वीडियोज दैट गेट व्यूज, हाउ टू राइट बेस्ट टाइटल, ये सारी चीज़ ना आपको दे देता है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से क्या करना है ना, आपको हर एक चीज़ को आपको सर्च कर लेना है जो आपको कौन सा टाइटल आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, जो इस जगह में आपको और भी जो तीन चार है ना इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ए 44 में रैंक कर रहा है। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ और अभी चला जाऊँगा तो ट्यूब बॉडी में। ठीक है, और ट्यूब बॉडी के आने के बाद मैं अभी जो इसको कॉपी किया हूँ उसको पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं जैसे उसको मैं पेस्ट कर दिया हूँ, पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं ये जो वीडियो है ना ये लो है गुड है। अगर ये टाइटल मैं यूज करूंगा तो मेरा रैंकिंग जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहला जो टैग यूज़ किया था उसी का जो हाउ टू राइट, उसको भी मैं कॉपी करके इस जगह में लेके आता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देख सकते हैं हाउ टू राइट बेस्ट टाइटल फॉर यूट्यूब, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ट्यूब बॉडी में फिर जाता हूँ, और ट्यूब बॉडी में जाने के बाद
इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी इस जगह में मेरा 100 टैग वो यूज़ कर लिया हूँ, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपको लाइव देखने वाला हूँ, तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा जो इसको किस प्रकार से है। तो ये अगर टैग यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही लो है, बहुत कंपटीशन है, ठीक है, ये टैग आपको नहीं यूज़ करना। लेकिन ये टैग यूज़ करने के बाद हर वीडियो एक ऊपर में आ रहा है जोगी जी का, ठीक है, लेकिन ये टैग यूज़ करने के बाद आपको वीडियो शायद रैंक में नहीं आ जा सकता क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो किस प्रकार से आपको टाइटल को सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है ना, जो अपना यूट्यूब में चला जाना है, YouTube में जाने के बाद आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे कि मान लो अपना जो भी वीडियो बना रहा है उसी प्रकार से आपको चूज करना है। जैसे मान लो मेरा ये वीडियो बना रहा हूँ जो हाउ टू बेस्ट टाइटल या टाइटल कैसे लगाए, ठीक है, मैं टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल कैसे लिखे, देख सकता है ये टाइटल कैसे लिखे ये आ गया, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे क्लिक कर दूंगा देख सकता है इतना सारा वीडियो आ गया है। तो ये भी एक टाइटल हो गया, जो टाइटल कैसे लिखे ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक रिकमेंडेशन करूँगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको आपको कॉपी कर लेना पड़ेगा, ठीक है, वो कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अगर आपके पास कोई भी नोट पैड होगा तो नोट में क्या करना, उसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। मैं नोट में जाता हूँ, नोट में जाने के बाद एक नोट क्रिएट कर लूँगा, वो क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना, इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद आपको एक अंडरलाइन सिलेक्ट कर देना, जो भी आप बोलते हैं इसको इस प्रकार से दे देना, ठीक है। ये एक टैग मेरा हो गया, ठीक है, और दूसरा टैग मेरा इसी प्रकार से यूट्यूब में जाऊंगा, यूट्यूब बेस्ट टाइटल, देख सकते हैं यूट्यूब बेस्ट टाइटल नेम इस प्रकार से आ गया, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसे क्लिक करते थे कि इस प्रकार से बहुत सारा वीडियो आ गया, तो इसको भी आपको क्लिक कर देना है, कॉपी कर लेना है, कॉपी करना है, इसे पेस्ट कर देना, देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको हर एक चीज़ को क्या करना, मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो जो टर्म लगते हैं, जो जितना सारा यूट्यूबर जो क्या सर्च करता है ना, जो सारा व्यूअर आते हैं अलग अलग टर्म में सर्च करते हैं आपका वीडियो को, उसी प्रकार आपको भी सर्च करना पड़ेगा, कभी हिंदी में सर्च करना, जो कैसे हम लोगों का यूट्यूब चैनल का बेस्ट टाइटल लगाना है, इसी प्रकार सर्च करके आप हर एक टाइटल को आप इस जगह में लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आप जो भी टाइटल, मान लो आपको जो टाइटल होगा वो तो 100 कैरेक्टर का होना चाहिए, लेकिन आपको हर एक तो टाइटल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसका अंदर बेस्ट टाइटल चूज करना है कैसे, उसी प्रकार आपको इस जगह में कॉपी करके आपको ट्यूब बॉडी एप्लीकेशन में जाकर उसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद उसको सर्च करना है, देखना है उसका रिजल्ट किस प्रकार से आ रहा है, अगर गुड आ रहा है तो उसी टाइटल को आपका चूज कीजिए। और टाइटल लिखने का बेस्ट तरीका है, टाइटल लिखने के बाद आपको इस प्रकार से एक अंडरलाइन देना है, जो भी बोलते हैं विराम है, अंडरलाइन जो भी है इस प्रकार देना है, क्योंकि एक टाइटल क्या हो जाता है ना, अलग अलग कीवर्ड ये पृथक हो जाता है, तो जरूर इसी प्रकार टाइटल लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जो 100% आपका वीडियो में रैंक आएगा और वीडियो सर्च में आएगा, तो जरूर। तो चलिए मैं सारे कुछ आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ, अगर आपको और दूसरे प्रोसेस करना है क्या, अगर टाइटल अगर आप यूट्यूब में सर्च करते वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको मैं जो बोला हूँ जो VidIQ जो एक्सटेंशन आप यूज कर रहा है उसी जगह से जो भी आप सर्च करते हैं उसको सर्च कर लेना, वो सर्च करने के बाद आपको साइड में मैं दिखा दिया था जो किस प्रकार से उसको आ जाते हैं, जितना भी टैग आ जाता ना वो टैग को कॉपी करके आपको नोटपैड में लिख लेना है, उसके बाद सारी चीज को आपको वो VidIQ में सॉरी ट्यूब बॉडी में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा उसका रैंक किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बेस्ट टाइटल चूज कर सकता है, शायद मेरे उम्मीद में लग दें जो वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो अभी एक लाइक कर दीजिए, अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना, और साथ ही साथ मेरे कमेंट कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना। तो चलिए अगला वीडियो आएगा जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखे, जो डिस्क्रिप्शन से आपका वीडियो कैसे रैंक करेगा, वो भी मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ, तो जरूर वो वीडियो भी देख लेना है। तो चलिए मिलता है अगला वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।